हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सबका एक और अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। तो ये देखिए आज क्या हो रहा है। आज इन लोगों की हो रही है पार्टी। तो ये सब भाई बैठे हुए थे हमारे, तो इन सब ने होली वाले दिन यानी कि 25 तारीख को, 25 नहीं 26 तारीख को इन लोगों ने पार्टी रखी हुई थी। तो ये मामा है ब्लैक शर्ट वाला, तो इससे ये खड़ा गरम मसाला पिसवा रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने सारा सब कुछ किया था, प्याज लहसुन इन्हीं लोगों ने छीली काटी, क्योंकि और ये हांडी में बनाएंगे। तो ये आइटम जब भी बनता है तो हम लोग के किचन में नहीं बनता है। किचन में बनना अलाउ नहीं है, और जितने लोग खाएंगे तो नहाएंगे खाने के बाद, ऐसा कुछ रूल्स है हमारे यहाँ का। लेडीज़ें कोई नहीं खाती हैं। तो ये भैया लोग हैं, मामा हैं, ये सब लोग अपना बनाएंगे खाएंगे और ये खुद से ही बर्तन धुलेंगे। तो ये आग जलाने में हेल्प कर रही थी, तो मुझसे दो तीन तीली जल गई और आग मैं नहीं जला पाई हूँ। लेकिन फिर बाद में ये लास्ट तीली बची थी, तो ये इसमें से भैया ने ऊपर से पत्ती डाल दी तो जल गई। तो ये है मेरी छोटी बहन, तो ये बोल रही है तुम क्यों वहाँ पे जा रही हो, इधर आओ दीदी, इनका कुछ नहीं हेल्प करना है, ये लोग खुद से अपना कर लेंगे। तो ये देखिए आग जल गई है, अब ये दोनों हांडी चढ़ाएंगे और दोनों में बनाएंगे। तो ये इतने लोग हैं, और गांव से जो सबसे बड़े भाई साहब हैं उनको भी बुलाया गया है। गांव हमारा पास में ही है, आधा एक घंटा लगते हैं आने में, तो वो भी आ रहे हैं उधर आ रहे हैं भाई साहब। और ये देखिए ये मुझे चने की सूढ़ी से डरवा रहा है मामा। ये दौड़ते दौड़ते वहाँ तक गया, मैं उस तरफ से जीने से भाग गई थी और छोटी वाली बहन इस जीने से भाग गई थी। तो बहुत ज़्यादा हम लोग डरते हैं सूढ़ी से, वो चावल की हो या किसी भी चीज़ की हो, बहुत डर लगता है। तो बस ये शुरू हो गया है, शायद कुछ बोल भी रहा है। तो ये वीडियो मैंने नहीं शूट की है, हम लोग चले गए थे नीचे, ये मैं दे के गई थी कैमरा भाई को, तो वही शायद शूट कर रहा है। और ये लोग बिरवा लेके आए थे, हरे चने यानी कि जानते होंगे आप लोग, तो वही उसी की सूढ़ी थी जिससे मुझे डरा रहा था। तो बस अब इन लोगों की होने वाली है बिंदास पार्टी। भांग वगैरह मैं अब थोड़ी देर में घोलूँगी, जो होता है ठंडाई जिसको बोलते हैं। और ये दो हांडियों में बनाएंगे, ये मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है जब ये कच्चा होता है धुलते वगैरह है, तो इसीलिए हम लोग चले गए थे नीचे। अब ये लोग बनाएंगे अपना, जब बन जाएगा तब फिर रोटी भी ये लोग खुद से ही बनाते हैं, खुद से आटा गूँथेंगे, किसी की कोई हेल्प नहीं है। और बना के ये लोग खुद से ही बर्तन धुलेंगे, यहाँ कोई मतलब ये आइटम किचन में नहीं बनता है, ना ही कोई छूता है। तो ये लोग खाते हैं तो अपना खुद से ही सब सारा कुछ करेंगे अपना। तो देखिए पहली बार मैं ऐसी वीडियो डाल रही हूँ, तो प्लीज़ जिसको जिस मतलब जो कोई ना पसंद करता हो तो वीडियो मत देखिएगा। और शूट कर ली है तो मैं डाले दे रही हूँ ये वीडियो। आज तक मैंने कभी ऐसी कोई वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कभी बने और ना ही कोई खाता है। तो ये देखिए ये है मामा का लड़का, इसकी अभी शादी थी जिसमें मैं गई थी अभी 15 मार्च की। तो ये लोग आज ही आए हैं दोपहर में 1 बजे, और तुरंत आते ही ये लोग लग गए हैं, क्योंकि ये सब अपना खाने का आइटम वहीं से लेके आए थे करबी से। तो ये है मसाला, सूखा गरम मसाला पीस रहा है, और ये जो आटा गूँथ रहा है ये है मेरा छोटा भाई, जो कि आप लोगों ने कई बार वीडियो में इसको देखा है। और ये 2:30 का टाइम हो रहा है, दोपहर का 2:30 बज रहे हैं। और ये है मामा का लड़का, लेकिन मामा के दोनों बेटे आए हुए हैं, और वो है हमारे ब्लैक शर्ट वाले मामा, और ये बनियान वाला है मेरा बड़ा भाई यानी कि मुझसे छोटा ही है। ये देखिए इधर होती जा रही है डांस पार्टी, मतलब यानी कि डांस भी होता जा रहा है, अंदर साउंड लगाए हुए हैं और बारी बारी करके रोटियां बना रहे हैं। और ये देखिए ये बन गया है इनका हांडी, मटन चिकन जो भी है, और ये खुद से रोटी बना रहे हैं हाथ से, कोई चकला बेलन का काम नहीं है। लास्ट में मतलब इन लोग को भूख लग गई थी, तो फिर लास्ट में 2-4 रोटी रितु ने सेकी है यानी कि बहन ने मेरी छोटी वाली, और फिर होने लगी इनकी मस्ती होली वाली। और अब भी जो है इन्होंने खाना वगैरह नहीं खाया है, और भूख भूख चिल्ला ही रहे थे बनने के ये लोग। 1-1.5 घंटे बाद इन लोगों ने खाना खाया। और ये देखिए इन लोग की मस्तियाँ शुरू हो गई हैं, ये लगा दिया मम्मी के,
गुलाल तो मम्मी पन्नी रख लेती हैं, पन्नी ओढ़ लेती हैं, और चाची की भी लगा दिया। सब लोग हैं, पहले ये लोग थोड़ी बहुत खेलते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं सब लोग। और भांग घोलने वाली मेरी वीडियो मिल नहीं रही, पता नहीं डिलीट हो गई कि क्या। और मैंने इस साल बिल्कुल भी कलर होली यानी कि होली खेली ही नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा बची, लेकिन थोड़ी बहुत रंग लग ही गया मेरे कलर। तो ये देखिए, ये हो जाता है अब सुबह का टाइम। सुबह में पूरे छत की अंदर से लेके बाहर तक सफाई हुई थी। और ये है, हो जाता है शाम का टाइम। तो शाम में जो मामा चने लाए थे यानी कि बिरवा लाए थे, तो उसी को फिर मम्मी ने भूंजा, क्योंकि मुझे निकलना था अगले दिन। तो ये रात में ही भूंजा था मम्मी ने। तो ये चटनी के साथ हम लोगों ने खाए, ये मुझे कम पसंद है। और ये मैं सूढ़ी दिखा रही हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हुए थे चने में। तो बस ये साफ़ करके मम्मी देंगी, थोड़ी बहुत खाएंगे, और खाने के बाद फिर अगली मॉर्निंग मेरी विदाई। तो इसके बाद शायद मेरा कोई वीडियो नहीं है, सीधे मैंने ट्रेन में वीडियो ली है थोड़ी बहुत। ये है अभी रात का ही है, चने वगैरह खाने के बाद। ये क्या, मैं ये देखिए चने खा ही रही हूँ, अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो इस बार चले गए तो खाने को मिल गया, वरना बेर और चने बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं इधर खाने को। तो ये देखिए अब पहुँच गए ट्रेन में। बीच का तैयारी का, पैकिंग का और विदाई का कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया है, याद ही नहीं रहती थी, क्योंकि वो सुबह में ही हमारी ट्रेन थी। तो जल्दी जल्दी सुबह से चाय नाश्ता, और 10 बजे 10:30 बजे हम लोग निकल आए थे। 10:30 की ट्रेन थी, लेकिन लेट हो गई थी 1 घंटे। तो बस चले अब अपने घर के लिए। कब ये दिन निकल जाते हैं इतनी जल्दी पता ही नहीं चलता। 1 हफ्ते कैसे निकल गए, मैं 7 दिन रुकी थी, 21 को गई थी और 28 को आई हूँ। तो कैसे ये दिन निकल गए सबके साथ बिल्कुल भी पता नहीं चला। इधर मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ, जब से आई हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, बच्चों के पीछे रहना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, बहुत बहुत दिल जी करता है बस रोती ही रहूं पड़े पड़े। तो ये है फ्रेंड्स बांदा की केन नदी, देख सकते हैं आप कितना कम पानी है इसमें। तो मैं पानी देखती ही नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी, बरसात में ही थोड़ी बहुत ज़्यादा भरती होगी, और ना ये इसी तरह थोड़ी मुड़ी इसमें पानी रहता है। बीच बीच का मैंने वीडियो थोड़ा शूट किया है, बांदा से निकल गए हैं जब थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी, क्योंकि चाय नाश्ता करके ही निकल आए थे। मम्मी ने पूड़ी सब्ज़ी वगैरह ये सब भाभी लोगों ने बांध दिया था, खाया नहीं था, और फिर ट्रेन में भी नहीं खाया था क्योंकि मन नहीं कर रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, स्लीपर का रिजर्वेशन था तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा लू चल रही थी। इतनी जल्दी मौसम करवट बदल लेता है कि पता ही नहीं पड़ता है। अभी तक एक ठंड और एकदम सीधा गर्मी बढ़ गई। तो फ्रेंड्स ये देखिए ट्रेन से उतर चुके हैं, पहुंच गए अब हम झांसी। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे वीडियो डेली नहीं आ रहे हैं उसके लिए सॉरी। मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।